जय श्री कृष्णा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो स्पाइडर प्लांट के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी कि हम बात करने आए हैं इस पे स्पाइडर प्लांट के बारे में कि कैसे आप इसको अपने घर में इजिली ग्रो कर सकते हैं और कैसे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ये स्पाइडर प्लांट का, मेरा ये जो एक बास्केट बाहर लगी हुई थी वो आउटडोर में शेडी एरिया में, तो वो मैं उठा करके अंदर ले आई हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, इसलिए मैं उठा करके आप लोगों को साथ डिस्कस करने के लिए अंदर ले आई हूँ। तो देन चलिए अब हम चलते हैं इसके पॉइंट्स पर कि हमें जो है कि इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए। सॉइल हमें इसके लिए जो है वो बिल्कुल जैसे आपके घर में नॉर्मल सॉइल होती है वो सॉइल लीजिए और एक पार्ट जो है उसके साथ कंपोस्ट मिला दीजिए और उसमें ये बड़ा इजीली ग्रो करता है। और दूसरा इसको है कि इसको रखना कहाँ है। इसको रखना हमें जो है शेडी एरिया में रखना है, जहाँ इसको धूप नहीं लगनी चाहिए क्योंकि धूप जब इसको लगेगी तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये हल्के जो होते हैं ब्राउन जैसे टिप्स होने लगते हैं। ये देखिए ब्राउन टिप्स हो रहे हैं थोड़े थोड़े इसके, तो हल्की सी इसको धूप जैसे थोड़ी सी तेज लगती है तो इसके टिप्स जो हैं ये ब्राउन होने लगते हैं, देख सकते हैं आप ये इस तरह से। तो आप इसको शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर सुबह की एक आध घंटे की धूप आती हो, देन बस इतने ही इनफ है इसके लिए। स्पाइडर प्लांट में भी गाइस दो तरह के आते हैं, एक ग्रीन लीव्स वाला होता है, एक वेरीगेटेड होता है। ये जो है मेरे पास ये वेरीगेटेड है, इसमें जो है दो कलर्स होते हैं, ये देखिए आप। अब हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। वाटरिंग जो है हमें इसको डेली ही करनी है। देख लीजिए, अगर आप मिट्टी अगर आपको सूखी लगे, हल्की सी सूखी लगे तो आप इसमें पानी डालिए, बट जो इसके रनर्स हैं तो आप उसमें जो है पानी स्प्रिंकल जरूर कीजिए डेली की डेली, वो आपको करना है। जैसे इस तरह से आप उनको उनके ऊपर शावरिंग करा दीजिए स्प्रे बॉटल से, स्प्रे बॉटल में पानी डाल के आप उस पर रनर्स पे जो है वो पानी जरूर डालिए, क्योंकि इनमें जो होता है ये एक तरह के प्लांट ही होते हैं, ये बेबी प्लांट्स हैं, तो इन्हीं से ही हम जो है प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो आप इन पे जो है पानी जो है स्प्रिंकल वो आपको डेली ही करना है। ये बहुत ही इजी ग्रो होने वाला पौधा है, आप इसको बिल्कुल इजी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और एक पौधे से कई पौधे आप बना सकते हैं। वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि कैसे एक प्लांट से आप इसके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक रनर था और इसी रनर से मैंने ये एक प्लांट बनाया है। तो ये गमला जो है मैं अभी बाहर से वही आउटडोर से उठा के लाई हूँ, उठाते उठाते क्या हो गया कि ये टूट गया। ये गमला काफ़ी पुराना था तो ये इसको मैंने चेंज करना ही था, तो मैं सोची थी कि थोड़ी बारिश हो जाए तो तभी चेंज करूँगी। तो ये मैं आपको लिए दिखाने के लिए अंदर ले आई तो रास्ते में ही टूट गया। तो अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये एक रनर लगाया था और ये रनर कितना अच्छा ग्रो कर रहा है कि इसके अपने बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसके अपने बेबी प्लांट्स इतने सारे निकल आए हैं, भर गए हैं पूरे। ये देखिए, ये देखिए, ये सब बेबी प्लांट्स हैं इसके। ये देखिए, ये सभी इसके बेबी प्लांट्स हैं और इधर भी देखिए कितने बड़े बड़े हैंग करते हुए हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए लटकते हुए। ये वही एक रनर से लगाने के बाद देखिए ये कितने इसने अपने प्लांट्स निकाल दिए हैं, बेबी प्लांट्स निकाल दिए हैं, बट ये अभी थोड़े छोटे हैं। वो जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो बड़े हैं, वो बिल्कुल हम ग्रो कर सकते हैं, ये थोड़े छोटे हैं, थोड़ा सा इनको बड़े होने के बाद ही हम लगाएंगे। तो अब देखिए मैंने आपके साथ एक शेयर की थी डिफेनबेकिया की कटिंग लगाने की वीडियो, तो वो देख सकती हैं। ये अभी गमला गिरा ना तो ये पौधा थोड़ा सा वो हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखिए, ये मैंने डिफेनबेकिया की कटिंग आपके साथ शेयर की थी, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी वीडियो में। ये देखिए इसकी कटिंग कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, जिन जिन गमलों में पॉट में मैंने लगाई थी ना सभी में ही अच्छे से ग्रो कर रही है। एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, ये देखिए अभी गिरने से ना थोड़ा सा मुड़ सा गया। ये देखिए ये अभी न्यू लीव्स निकल रही हैं इसकी, एक ये लीव निकल रही है। तो अभी इन सबको मैं जो है इन्हीं इसी डिफेनबेकिया की कटिंग के साथ ही मैंने ये भी लगा दिया था स्पाइडर प्लांट का भी बेबी प्लांट। तो देखिए ये तीनों इकट्ठे लगने लग गए, अब मैं इन सबको अलग कर दूंगी। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे लगाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रनर ही मैंने एक काट करके, देखिए मैं आपको ले चलती हूँ उसी वापस उसी प्लांट के पास, तो वहाँ देखते हैं हमने कैसे रनर को निकालना है और लगाना। ये देखिए जैसे ये रनर्स लगे हुए हैं ये बड़े बड़े हो चुके हैं, तो अब हम इसको सबको निकाल करके लगा सकते हैं अलग अलग पॉट्स में। यानी कि ये एक दो तीन चार दस के करीब ये प्लांट हैं, तो हमारे इजिली हमारे दस प्लांट बन जाएंगे। तो हमने इसको क्या करना है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये
सॉरी, एक हाथ में एक्चुअली कैमरा है और एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे ये ब्राउन है ना, ये इस रनर की ये ब्राउन, तो यहीं से ही जो है नया प्लांट ग्रो करता है। तो हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक हाथ में मेरे कैंची है और एक हाथ में कैमरा है। ये देखिए, यहाँ से नीचे गिर गया ये रनर, मैंने एक निकाला है और अब हम इसको ग्रो करेंगे। दूसरे किसी पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं ईजिली। देखिए, ये ब्राउन मैंने आपको जो दिखाया ना, ये पहले भी अभी दिखाया है, यहीं से ही ये प्लांट निकलता है, ये ब्राउन जो है। तो मैंने, हमने क्या करना है इसको, हम एक तो इसका मेथड ये है कि हम इसको एज इट इज़ अपने प्लांट, अपने पॉट में लगा दें इसको, एज इट इज़ ऐसे करके इसको दबा करके हम इसको लगा दें। मैंने ये जो प्लांट लगाया था वो ऐसे ही लगाया था, बट मैं आपको और जल्दी ग्रो करने के लिए आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको जल्दी ग्रो करना है, फास्टर ग्रो करना है। ये एक छोटे मुंह की बॉटल में मैंने पानी भर लिया था और दो तीन दिन में ही इसमें मैंने ये जो है ये प्लांट रख दिया था, बेबी प्लांट जो है स्पाइडर का। और ये देख सकते हैं आप, ये इसकी जड़ें निकल आई, देखिए दो तीन दिन में कितनी अच्छी जड़ें निकल आई। इस पानी में मैंने ऐसे डिप कर दिया था इस प्लांट को, बेबी प्लांट को, और ऐसे रख दिया था। दो तीन दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए और देन ये कितनी अच्छी जड़ निकल आएगी। और आप इसको अब जो है हम किसी भी मिट्टी में, सॉइल में हम लगा सकते हैं। और देखिए, मैं चलती हूँ, लगाती हूँ आपके साथ इस छोटे से पॉट में, और आप इसको जो है इजीली लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो करेगा क्योंकि ये पानी में इसकी जो है ना, वो दो दिन में ही जड़ें निकल आती हैं। तो पानी में जड़ जल्दी निकल आती है तो वो बहुत जल्दी फास्टर ग्रो हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड से इसको ग्रो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप इसको एक रनर को ऐसे भी निकाल के लगा सकते हैं मिट्टी में, और दूसरा ये पानी में भी डाल करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। बस इसको रखना आपने जो है वो सेमी शेड में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना, और बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में जो स्पाइडर प्लांट से, एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं और इजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस है। आप इसको जरूर लगाइए क्योंकि ये हैंग करता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है और एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ उसको लाइक का बटन दबाइए, जरूर दबाइए, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि उसी से ही आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते हैं। और हेल्दी रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।